मोहन यादव ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विजयदशमी पर महेश्वर खरगोन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर 83 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 43 विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित खरगोन वैभव पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, लोकमाता देवी अहिल्याबाई का नाम लेते ही पूरा शरीर आनंद में डूब जाता है। माता अहिल्याबाई के जन्म स्थान अहमदनगर का नामकरण उनके नाम पर किया गया, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूँ। अहिल्या माता, जिनका राजमाता का नाम लेते ही पूरा शरीर रोमांच रहस्य आनंद में डूब जाता है। हमारे लिए माँ स्वरूपा एक ऐसी महाराष्ट्र की बेटी, जोरदार अभिनंदन करो महाराष्ट्र वाले बंधुओं का भी, महाराष्ट्र सरकार का भी जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने मुख्यमंत्री और हमारी पूरी सरकार का, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जिनने एकनाथ शिंदे जी और वहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जोरदार ताली बजाओ, जिनने अहिल्या माता के जन्मोत्सव को जीवंत किया। वो अहमदनगर जो जिस जिले के अंदर चौंडी तहसील में 300 साल पहले हमारी अहिल्या माता का जन्म हुआ था, उस स्थान से आज वो अहमदनगर का नाम हटा करके अहिल्याबाई के नाम पर किया गया, मैं बधाई देना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से।